हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवम और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू देने वाले हैं एक कमाल के प्रोडक्ट का, जो कि है अर्बन गबरू की रिबेल हेयर वैक्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर दो। तो ये रहा इस हेयर वैक्स का बाहर से बॉक्स, कुछ ऐसा दिखता है। और जो अर्बन गबरू की जीरो टू इन्फिनिटी वाली हेयर वैक्स थी वो मेरी खुद की फेवरेट है। और ये वाली वैक्स स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये रीस्टाइलेबल है। ठीक है, तो अगर आप बालों को एक स्टाइल रखते हैं थोड़ी देर के बाद आप खुद हाथों से इसको चेंज कर सकते हैं। इस पे शायद से लिखा है 100 टाइम्स तक आप चेंज कर सकते हैं जब आप इसको एक बार अप्लाई करें। तो ये सही उनके लिए रहने वाला है ना जो हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट पहन के स्कूल कॉलेज या कहीं भी जाना पड़ता है, ऑफिस वगैरह, तो हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट पहन के सुबह तक वो हेयर सेट करके जाते हैं, पर जब वो हेलमेट पहनते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो बाल पूरे खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए स्पेशल ये वाली हेयर वैक्स है, क्योंकि जब आप हेलमेट उतारेंगे बाल खराब होंगे तो आप उनको खाली फिंगर से जैसा करेंगे तो रीस्टाइलेबल वैसे हो जाएंगे, जैसा कि इस अर्बन गबरू की रिबेल हेयर वैक्स का कहना है। तो अब इसके बॉक्स को खोल लेते हैं। तो ये अंदर से कुछ इसका ऐसा है। और इसके एमआरपी की बात करूँ, इसका एमआरपी है 450 रुपीज। मैं आपको नीचे अमेजोन की लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके ले सकते हैं। वहां पे आपको 330 या 50 कुछ ऐसे ही मिल जाएगी, ऑफ में मिल जाएगी। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, अगर लेना चाहे तो वहां से ले भी सकते हैं। और इसके बात करिए 85 ग्राम्स वाला पैक है। और ये रही बाहर से वैक्स, कुछ ऐसे दिखती है। इसको खोल लेते हैं सबसे पहले। और इस वैक्स की खास बात क्या है, इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना, हार्मफुल केमिकल इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं किए गए हैं। जो भी हम वो वैक्स देखते हैं अर्बन गबरू की, जो दूसरी वाली जीरो टू इन्फिनिटी वाली हेयर वैक्स आती है, उसमें भी कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया गया। और इसमें भी कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया गया, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो ये आपके बालों के लिए सेफ भी रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं, कर्ली हैं, आप जैसे भी आपके बाल हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये अंदर से अर्बन गबरू की रिबेल हेयर वैक्स, जो कि ये रिसाइलेबल क्ले हेयर वैक्स। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे ले लेता हूँ। मेरे को इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सीरियसली। तो मैंने थोड़ी सी ली है फिंगर में और मैं ऐसे पूरे हाथ पे, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं, नो इशू। तो आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी शाइन भी है बालों में, और बालों को थोड़ा सा हार्ड भी बना दिया, ज्यादा नहीं बिल्कुल हल्का सा। तो ये अभी मैंने अपने बालों पे ये वैक्स, रीस्टाइलेबल हेयर वैक्स, अर्बन गबरू की रिबेल हेयर वैक्स यूज करी है। ठीक है, मेरे को तो अच्छी लग रही है। और आप लेना चाहें तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप वो दूसरी वाली जो मेरी फेवरेट रही है जीरो टू इन्फिनिटी, वो भी अर्बन गबरू की, और उसके भी सारे इंग्रेडिएंट सेफ है। ये दोनों हेयर वैक्स आप डे टू डे लाइफ में, मतलब डेली यूज कर सकते हैं। उस वाली वैक्स को क्या, उस वो जो जीरो टू इन्फिनिटी वाली, अगर आपने एक बार यूज कर दिया तो बाल वैसे ही रहेंगे। तो अगर आप ये वाली यूज करते हैं, इसके बाद अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर के बाद चेंज भी कर सकते हैं। मैं भी फिर से थोड़ी देर बाद अपने बालों का हेयर स्टाइल चेंज करने की ट्राई करूंगा। अभी तो मैंने एक साइड कर दिया। तो गाइस, मुझे अभी 20 से 30 मिनट हो चुके हैं इस हेयर वैक्स को बालों में अप्लाई करते हुए, तो अभी मैं स्टाइल चेंज करके देखता हूँ। वैसे तो मैं ऐसे ही हेयर स्टाइल रखता हूँ, बट अभी चेंज करके देखता हूँ कि होता है या नहीं होता। दूसरी साइड बाल कर रहा हूँ और आप देख सक रहे हैं इजिली हो चुके हैं। इस साइड बाल इजिली हो गए, और फिर से मैं इस साइड करता हूँ, फिर से हो गए। तो सीरियसली ये रिस्टाइलेबल वैक्स तो है ही है, बट एक बात जो उस पर लिखा है अल्ट्रा स्ट्रांग होल्ड तो नहीं है, होल्ड अच्छा है। ठीक है, और कॉमन सी बात है, अगर इसका अल्ट्रा स्ट्रांग होल्ड होगा तो ये रिस्टाइलेबल वैक्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर इसका होल्ड इतना खतरनाक हो तो आप बालों को बार बार स्टाइल चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो इन्हें अल्ट्रा स्ट्रांग होल्ड लिखा है ये तो नहीं लिखना चाहिए था। मैं थोड़ी देर बाद हेलमेट पहन के फिर से बालों को स्टाइल चेंज करूंगा, एक डेढ़ घंटे के बाद। तो देखते हैं 1-1.5 घंटे का इसका होल्ड कैसे रहता है और क्या ये रीस्टाइलेबल है तब भी।
गाइज अभी 2 से 3 घंटे हो गए इस हेयर वैक्स को अप्लाई किए हुए और अभी यहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी इसका होल्ड देखते हैं। और होल्ड तो उतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट सी ऐसा लग रहा है, हेयर क्रीम लगाई है बालों में, बट जहाँ पे जिस स्टाइल में मैं बाल करना चाहता हूँ तो वैसे हो रहे हैं अभी भी, तो इसको रीस्टाइलेबल वैक्स तो बोल सकते हैं हम, बट होल्ड कुछ ज्यादा नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हेयर क्रीम अप्लाई करिए बालों में। तो गाइस ये थी अर्बन गबरू की रिबेल हेयर क्ले वैक्स जो कि रिस्टाइलेबल हेयर वैक्स है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, और आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में।